सभी को मेरा नमस्कार। आपके इस दोस्त का नाम रविंद्र है, जो पिछले 12 साल से हिसार में यूरो स्टडी ग्रुप के नाम से एक वीज़ा कंसल्टेंसी चला रहा है। 2010 में हमने इसकी शुरुआत की थी और आज सक्सेसफुली 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं। पिछले 12 साल में बहुत बार सेंगन कंट्री विजिट किया है मैंने, बहुत सारी कंपनियों से टाई अप किया, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट का काम शुरू किया, वर्क परमिट का, क्योंकि स्टडी के साथ साथ बहुत सारे लोगों की अप्रोच आती थी कि क्या काम के लिए भी बाहर जा सकता है, तो उसके लिए सोर्स निकाले जिसमें जो मेन कंट्री हैं जहाँ पे आप स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, यानी कि चाहे आप 10वीं पास हो, चाहे प्लस टू पास हो, या फिर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, या आपने ITI की हुई है, या BTech है, इंजीनियरिंग लाइन से हैं, या किसी और फील्ड से, होटल मैनेजमेंट एक्सेट्रा, तो आप यूरोप में अपना अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। यूरोप में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पीछे मैंने विजिट किया था नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन और जर्मनी। इन चार कंट्रीज़ में IT को लेकर और कंस्ट्रक्शन को लेकर बहुत सारी जॉब्स हैं। होटल लाइन भी काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है उधर। अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा नॉन स्किल्स में आते हैं या कम पढ़े लिखे हैं तो आप चेक रिपब्लिक, पोलैंड, इन कंट्रीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपको सिर्फ कुछ नहीं आता और आपको यूरोप में काम करने से मतलब है तो आप क्रोशिया, जिसमें लगभग 87,000 वैकेंसीज आज अवेलेबल हैं नॉन EU कंट्रीज़ के लिए, तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक क्रोशिया की जो सक्सेस रेट है वो 100% है, लेकिन आने वाले टाइम में जून 2023 तक जब ये सेंगन में शामिल हो जाएगा तो तब सेम सेंगन कंट्रीज की तरह इसके वीज़ा की भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप सबको पता है, मुझे भी पता है इस बात का, कि जो एक बार चला जाता है वापिस रेयर ही आता है। तो आप अगर अनस्किल्ड हैं, सेमी स्किल्ड हैं या स्किल्ड कैटेगरी हैं तो आप क्रोशिया में अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस टाइम होगा कम से कम 60 days to 90 days होगा। जो वैकेंसीज आज क्रोशिया में चल रही हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सबसे जो मेन काम है क्रोशिया में वो कंस्ट्रक्शन का है, सेकंड डिलीवरी पर है, थर्ड बात करते हैं तो एग्रीकल्चर है, फोर्थ बात करते हैं तो ऑटो इंडस्ट्री सेक्टर है, जैसे फैक्ट्री वर्कर, अगर मैं कहना चाहूँ तो फैक्ट्री वर्कर आप वहाँ पे जा सकते हैं, या फिर फिश कटिंग का काम, फिश पैकिंग का काम, वेयर हाउस में पैकिंग का काम, इस तरह के बहुत सारे काम हैं छोटे छोटे, जिसमें आप ज़्यादा बड़े बड़े सपने न देखें, सिर्फ ये मान के चले कि आप अपना खर्चा पानी करने के बाद ओनली 50,000 rupees आप अपने घर पर भेज सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप वहाँ की लैंग्वेज सीखेंगे तो आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्रोशिया में अप्लाई कर सकते हैं एट टाइम, क्योंकि और कंट्रीज में सभी में किसी न किसी में कोई अपॉइंटमेंट का इशू है, किसी में कोई प्रॉब्लम है। क्रोशिया में अभी तक अपॉइंटमेंट का भी कोई इशू नहीं और पेपर भी आपके 60 to 90 days में कंप्लीट हो जाते हैं। पिछले ही मंथ हमने 36 लोगों को क्रोशिया में भेजा है, जिसकी वीडियो भी हमने पहले डाली थी आपके पास, आपने देखा होगा। और अधिक जानकारी लेने के लिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट अवर ऑफिस। पिछले 12 साल से हमारा ऑफिस एक ही जगह पे है, हिसार में, यूरो स्टडी ग्रुप, ऑफिस नंबर 8, सेकेंड फ्लोर, वकील सिटी सेंटर, नियर चूड़ामणि हॉस्पिटल। यहाँ पे पास में एक हॉस्पिटल है फेमस, चूड़ामणि हॉस्पिटल, तो आप यहाँ आकर संपर्क कर सकते हैं। बाकी नीचे दिए गए नंबरों पे आप कॉल करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, मेल करेंगे, वेबसाइट पे जाएंगे तो भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या आप हमारा इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे तो वहाँ भी आपको पूरी डिटेल मिल सकती है। सो अधिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट अस। सो थैंक यू वेरी मच।